हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है कि वो अपने बिल को पीडीएफ में नहीं प्रिंट कर पाते हैं। प्रिंट हो रहा है आपका जो बिल है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे उसे पीडीएफ में प्रिंट करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सचिन क्रिएशन के नाम से कंपनी बनी हुई है और इस कंपनी में दो बार डी प्रेस करते हैं, तो ये एक परचेज है। अपलक क्रिएशन के नाम से परचेज का एक बिल बना हुआ है जिसमें टी शर्ट और जींस की बात करी गई है। ठीक है, अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो अल्ट पी करेंगे और यहां पर प्रीव्यू कर लेंगे हम, और अगर प्रिंट करते हैं तो यहां से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं आप। तो यहां पर प्रीव्यू करते हैं तो देखिए, ये जो है पीडीएफ में ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये बिल जो है पीडीएफ में ओपन हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपके साथ पीडीएफ में नहीं अगर ओपन हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको प्रिंट करेंगे, समस्या यहां पर होती है। तो हमें करना क्या क्या है, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है प्रीव्यू, तो जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये तो प्रीव्यू आ जाता है, और अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट दिखाई पड़ेगा एक ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट ई। देखिए नीचे यहाँ पर एक सिंगल लाइन बनी हुई है, देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बटन आपको अल्ट के साथ प्रेस करना है, तो अल्ट ई प्रेस कीजिए। जैसे ही अल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे ना, ये जैसे यहां पर आते हैं, तो अभी यहां पे अल्ट के साथ ई प्रेस करता हूं, एक बार बैक जो है आना है आपको एस्केप बटन प्रेस करके, और अल्ट के साथ आपको ई प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो ये एक्सपोर्ट होगा, करंट डॉक्यूमेंट को ही एक्सपोर्ट करना है, और किस में एक्सपोर्ट करना है, देखिए यहां पर फाइल फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है, तो ये XML का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये XML का है, और यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऐसे करेंगे, क्लिक करेंगे ना तो और भी फाइल फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। तो शायद आपका JPG में आ रहा हो, तो यहाँ पे JPG कर देंगे तो JPG वाले में आएगा, अगर आप XML कर देंगे तो XML फॉर्मेट में आएगा, अगर आप ASCII फॉर्मेट चाहते हैं तो ASCII में आएगा, अगर आप Excel पे ओपन करेंगे तो Excel पे ही ओपन हो जाएगा, और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा एक्सेल में। एक्सपोर्ट पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया है और ये फाइल अब एक्सपोर्ट हो रही है। जैसे ही ये फाइल पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ये एक्सेल में ओपन होगी, क्योंकि मैंने इसे किस में एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया, और यही वो तरीका है जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये थोड़ा सा प्रोसेसर स्लो है मेरा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये धीरे चल रहा है, लेकिन देखिए अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है, एक्सेल शीट भी ओपन हो गई है। ठीक है, कई बार ये भी दिक्कत रहती है कि सर मेरे में डेट नहीं चेंज हो रहा है, तो एक बिल में तो डेट चेंज करना ही करना है, तो आप इसको एक्सेल में ले करके, अब जैसे यहाँ 31 मार्च दिखा रहा है लेकिन आपको यहाँ 29 मार्च रखना है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा ना, क्लिक करके इसे आप एडिट कर सकते हैं और डेट भी यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, एक आध बिल में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्सेल में आ गया है और ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसे पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ में तो ये ओपन हो ही जाएगा, अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे, अगर आपका पीडीएफ में ना आ रहा हो तब क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, एक्सपोर्ट पे जाएंगे वो प्रिंट करेंगे, तो ये प्रिंट करेंगे ना, तो ये देखिए ये किस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ अल्ट पी किया और अब एंटर करते हैं, और एंटर करके और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट टू, तो यहाँ पर आकर के और फिर एंटर प्रेस करते हैं, चेंज कर लीजिएगा, ये एक्सेल स्प्रेडशीट है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा कि यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिया गया है, तो आप आइएगा तो क्लिक कीजिएगा तो ये सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे, लेकिन हमें किस में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, अगर आपको जेपीजी में चाहिए आप जेपीजी में ले लीजिए, फिलहाल हम पीडीएफ करते हैं और एंटर करते हैं, और एंटर करके यहाँ पर अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पीडीएफ में, तो जब ये ओपन होगा ना तो ये पीडीएफ में ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो रहा है, देखिए ये पीडीएफ ही है जो ये फाइल ओपन हुई है, ये पीडीएफ में ही ओपन हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा फाइल जो है पीडीएफ में ओपन हुआ है, और यही वो तरीका है जिससे आप पीडीएफ में और एक्सेल में या जेपीजी में या जेपीईजी में या एक्सएमएल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन।